देता है तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के लोग क्या करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार दिया जाता है, मनीष गुप्ता को मार दिया जाता है, अरुण वाल्मीकि को मार दिया जाता है, विवेक तिवारी को मार दिया जाता है, तब ये उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे कि रिश्ता क्या क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त संगठित और असंगठित अपराधियों का अड्डा सा हो गई है, तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के चले गए। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता अरविंद भाई तो क्या स्वामी प्रसाद जी छोड़ के जाते? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है इनका, जैसे ही उनको मौका लेकिन मिला हुजूर, भाग लिए। हुजूर जाते जाते बड़ी देर कर दी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाना था तो पहले चले गए थे सुरेंद्र भाई हैं। और अभी राकेश जी से जवाब मैं लूंगा अपने बहुत हाँ जी जी मैं बता दूं आपसे कैसे जाते भाई। सच ये है कि जब उत्तर प्रदेश के शासन पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ हो जो पुलिस को आतताई के तरीके से व्यवहार करने पर मजबूर कर रहा हो, ईडी इनकम टैक्स और पुलिस और सीबीआई, जैसे ही मुक्त हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, भगदड़ मच गई, खदेड़ा हो गया। बहुजन समाज पार्टी तो देखिए इस नीति में विश्वास करती है कि कानून का सख्त राज, बहन जी तो बार बार यही कहती हैं, है ना? आपको क्या लगता है? आप तीनों लोग एक तरफ हो, राकेश जी अकेले हैं भाई, ये जान लीजिए। नहीं राकेश जी है सब पर। नहीं नहीं वो तो बोले हाँ राकेश जी कहना अकेले भारी हैं हम है। राकेश जी इसलिए अकेले हो गए क्योंकि 5 सालों में इन्होंने कारनामा ऐसा किया कि जनता ने इन्हें खुद अकेला कर दिया। और अरविंद भाई आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि उत्तर प्रदेश में अगर शासन में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने में कोई दल, कोई पार्टी, कोई लीडर का नाम आता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम आता है। उनके सामने ना भारतीय जनता पार्टी के टैनी साहब चल पाते हैं, ना समाजवादी पार्टी के प्रजापति साहब लोग चल पाते हैं। आपने ये तूतू में देखा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। जब माफियाओं की बात करेंगे इन लोगों में तूतू में हो जाएगी क्योंकि दोनों ही में माफिया हैं। आप जब तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो हिंदू मुसलमान की राजनीति, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति में फंस जाएंगे। माफिया नहीं दिखा 2019 में, माफिया नहीं दिखा आपको हमारे राज में? तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का भी अगर कोई कार्यकर्ता सांसद मंत्री है और अगर वो आपराधिक मामले में दर्ज है तो उसे जेल भेजने का काम किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह संरक्षण देने का काम किया और उसे राज्य गृह मंत्री बरकरार रखा। जिस शख्स ने इस देश को एक नया जालिया वाला बाग करके दिखाया लखीमपुर खीरी में, उस शख्स को जेल भेजना तो दूर, ये लोग पद से भी नहीं हटा पाए, ये इनकी माफिया गर्दी का साफ तौर से सबूत है। जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को, सुनील भाई, उत्तर प्रदेश के पुलिस को इन्होंने माफिया बना दिया। दोनों लोग देखिए, बसपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों लोग साथी थे। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं अपने बसपा के प्रवक्ता साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे आप इन पे आरोप लग रहा है कि भाई इन्होंने जो है लोगों को जान से मारा है, ये कहना है कि भाई अपराधी जो लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना? मेरा एक सवाल आपसे सीधा सीधा है, मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ राजभर का गठबंधन है, सवाल यह है कि इसका क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि आपसे भी तो लोग जवाब पूछेंगे ना। नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं। राजभर जी अगर हमारे साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या ये कह लीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने जब पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना तो आज पिछड़े और दलित एक होकर के उनकी सरकार छीनने जा रहे हैं, तो इसमें तकलीफ इनको क्या है? कहां पर तकलीफ है? अगर ये किसान की बात करते हैं तो जब 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, किसानों की मदद कर रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, बवाली बता रहे थे, वही चुनाव आते आते किसानों को अन्नदाता और प्रभु क्यों मानने लगे? इसका मतलब वोटों के लिए ही काम कर रहे हैं। और एक तरफ जी लखीमपुर की घटना, 2 घटनाएं हैं जहां आपको दुशासन भी देखने को मिले और जहां जलियांवाला बाग भी मिला, तो जो हश्र जलियांवाले बाग करने वालों का हुआ था, जो हश्र दुशासन का हुआ था, वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। राकेश जी देखिए, इन्होंने तीन सारे लोगों ने 3-4 सवाल आपसे पूछे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए सरकार आपकी जा रही है इसलिए लोग भी जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए आपके यहां से, ठीक है। इनका ये कहना है कि भाई सारी समस्याएं तो आप लोगों से है, बारी बारी से तीनों लोगों का जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक पहचान बना करके रख दी थी कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल, इन 4C ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को सिगरेट का बना करके रखा था।
योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और डबल इंजन आपके साथ है और सी सब लोग बना दिए। नहीं नहीं आप अगर ये आप करप्शन की बात को करने दिया करिए, ये काम आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। सुन लीजिए, एक अभी कह रहे थे कि अकेले हैं, फिर अभी तीनों मिलकर के एक साथ, ऐसा मत करिए भाई। देखिए, कास्ट क्राइम करप्शन और कम्युनल के कॉकटेल ने उत्तर प्रदेश को सीग्रेट का बना करके रखा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने यूपी के कैरेक्टर को चेंज करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमने पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम हमने किया है। आज मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 17,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी थी अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में, स्वीकृति दी थी, बने वो भी नहीं थे। 45 लाख हमने प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है और ये बहलाते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमान दोयम दर्जे का होगा। 27% मकान उसमें मुसलमानों को मिले हैं, बोलती बंद हो गई है। मुसलमानों के नाम पर आजम खान नेता होंगे, किसने जमीनें कब्जाने का काम किया? आजम खान ने किसकी जमीनें कब्जाई? गरीब मुसलमानों की, गरीब मुसलमान बहनों की जमीनें कब्जाने का काम किया ना नेता के नाम पर। सफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन और कल ही एक नए नए अभी ज्वाइन हो रहे हैं क्या, इमरान मसूद, बोटी बोटी के एक्सपर्ट। यानी मुसलमानों के नेता के नाम पर आपने आतंक मचाने वाले, अपराध करने वाले, अराजकता बचाने वाले, दलित करने वाले, वैमनस्यता फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले, ऐसे नेताओं को चेहरा बना करके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की छवि खराब करने का आपने जो अपराध किया है, इस अपराध का खामियाजा भी आपको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि और परिनिर्वाण स्थली है, यहीं पर संगम है प्रयागराज। लेकिन क्या थी उत्तर प्रदेश की पहचान? कास्ट के आधार पर, क्राइम के आधार पर। मिर्जापुर की फिल्में बनती थी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और आजमगढ़ को किस दृष्टि से देखा जाता था। हमने उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को बदला है। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है, 24 घंटे बिजली आ रही है, 5 एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं, आज 9 हमारे एयरपोर्ट चालू हो गए हैं, आज उत्तर प्रदेश के घर घर में खुशहाली। हमने सच हम बता दें, वही 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 मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, ऐसा है कि आपने विकास की गंगा बहाई हुई है। अखिलेश यादव जी भी ये कह रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस वे हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाया है? नहीं, हम दोनों चीजें बता रहे हैं, आप बताइए क्या हमने बनाया और क्या है ना? पहले क्योंकि राकेश भाई सच बता नहीं पाए कि योगी जी ने क्या किया है। ये सच है कि संगम हमारी पहचान है, लेकिन उस पहचान को लाशों में किसने बदला है? ये भी सच है कि भगवान राम कणकण में है, लेकिन भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की है? भगवान राम के मंदिर पर जमीन की दलाली किसने खाई है? यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का हक किसने छीना है? उत्तर प्रदेश में जब कोरोना महामारी का दूसरा दौर था, तो जो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें गई हैं, उन्होंने देश दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में देश को अपमानित करने वाली तस्वीरें कहां से गई? यही शमशान घाट से गई, या नदी से गई, या अस्पतालों से गई? बिना ऑक्सीजन के एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, तब भाजपा को शर्म नहीं आई? और जो इन्होंने काम किया है, क्या आचार संहिता लागू हो गई? राकेश त्रिपाठी जी अगर एक काम बता देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद शुरू किया हो और आचार संहिता लगने से पहले उसको खत्म कर दिया हो, एक भी काम इनके पास नहीं है। ठीक है, इनके कुछ काम हम और बता दें, थोड़े समय है हम लोगों के पास, हम गिना दें। अब इन्होंने जो काम बड़े किए हैं, काम केवल यह किया है, दूसरे के कामों पर अपना नाम चिपकाया है। और यह बताइए, ये जात के खिलाफ बोल रहे हैं? बांदा विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई, सारे के सारे एक बिरादरी के लोग भर्ती हो गए, जातवाद नहीं दिखा? इनका शिक्षा मंत्री, भर्ती किसी को करना चाहिए था, अपने भाई को भर्ती कर लिया, तब आपको जाति और परिवारवाद नहीं दिखा? ये केवल सुनील भाई धर्म के नाम पर। सुनील भाई जवाब भी ले लीजिए, फिर दो हमारे साथी और बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद एड ऑन भी करा लेते हैं। आप जवाब दीजिए तो मैं सुरेंद्र भाई से एड ऑन कराता हूं। सैफई कुनबे का एक भी ऐसा व्यक्ति, और जब एक भी कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो और सपा सरकार रहते हुए उसको लाल बत्ती से नवाज देने का काम किया हो। ये आज कह रहे हैं कि परिवार पे हमने नैतिकता का आचरण का तकाजा रखते हुए इस्तीफा दिलाने का काम हमने किया है, हमने नैतिकता के मानदंडों को स्थापित करने का काम किया है, लेकिन ये नैतिकता किनसे पूछेंगे?
किनसे पूछेंगे नैतिकता? परिवार के हर व्यक्ति को जिसने लाल बत्ती दे दी हो, कुनबे की पार्टी चलाते रहे हो, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद की बात करने वाले लोग केवल और केवल परिवारवाद में आकंठ डूबे हो, और जिसको अपने विकास का आप प्रतिमान गढ़ने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं, ट्रायल रन का उद्घाटन किया था, लखनऊ के लोग जानते हैं कितनी मेट्रो आपके समय आई, कितनी मेट्रो, ईमानदारी से, अरे सुन लीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ, 9 किलोमीटर की मेट्रो और ट्रायल रन नहीं, प्रॉपर रन किया है हमने कानपुर में, हमने ट्रायल रन नहीं किया, आपने 8 किलोमीटर का ट्रायल रन लखनऊ में किया था, एक्सप्रेस वे उपलब्धि बता रहे, मैं तुलना करके बता रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, जानते हैं 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे अधूरा था, बार बार अपना काम करके अपना काम, हमारा काम मत बताइए, सरकार बनने से हमारा काम मत बताइए, चल के दिखा दीजिए अपना काम, फिरोजाबाद से आगे अपना एक काम था, आज 342 किलोमीटर काम पूरा हमने कंप्लीट करने का काम किया है, पूरा अपना काम कंप्लीट करने का काम किया है, और केवल एक काम, 5 एक्सप्रेस वे देने का, केवल एक काम जो आपका अपना हो वो बता दीजिए इसी मंच पे, अरे भाई एक काम नहीं, आप सिलसिलेवार केवल एक काम, मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया कि गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का मकान देने का काम हमने किया है, गरीब की बहन बाल बेटी की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि मकान में शौचालय मिले, शौचालय देने का काम हमने किया है, बिजली का कनेक्शन की आवश्यकता होती है, 1,61,00,000 बिजली का कनेक्शन देने का काम हमने किया है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा देने का काम हमने किया है, फ्री का जूता मोजा और स्कूल का बैग हमने देने का काम किया, आज के समय में राकेश भाई की संख्या बढ़ाने का, एक सेकंड भाई, इन्होंने कहा कि जूता मोजा किताबें फ्री देने का काम, ये पहली सरकार है जिसने जूता मोजा और किताबों में भी घोटाला किया है, ये एक ऐसी सरकार, क्या आपको नहीं मालूम घोटाला हुआ? बिल्कुल नहीं, क्या आपको नहीं मालूम हुआ? जिस सरकार ने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, महामारी में बेईमानी कर ली हो, वो सरकार नैतिकता की बात कर रही है? कोरोना पे राजनीति तो ना करिए बेहतर है, पहले पूछ के बताइएगा अखिलेश जी ने वैक्सीन लगवा ली या नहीं लगवा ली, भाजपा ही वैक्सीन बताते थे, पूछ के बताइएगा, जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे, आपको आपको शर्म नहीं आती? कोरोना का नहीं आती, लोग मर रहे थे और आप राजनीति कर रहे थे, लोग मर रहे थे आप राजनीति कर रहे थे, बता रहे एक, अरे भाई एक मिनट सुनील भाई, देखिए अगर लोग मर रहे थे तो जिम्मेदार कौन था? महामारी महामारी पर लोग मर रहे थे, महामारी पर राजनीति करेंगे, जिम्मेदार कौन था? महामारी से मरने वालों पर राजनीति करेंगे, आप करिए इसी कोरोना पर चुनाव, इसी कोरोना पर चुनाव होगा, अजय हम तो तैयार हैं, जिम्मेदार अखिलेश यादव जी घर से बाहर नहीं निकले, उन्हें अजय सिंह बिष्ट को घर से बाहर नहीं निकले, जनता बाहर से बाहर नहीं निकले जा रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संक्रमित होने के बाद हर जिले जिले जाकर के दौरा कर रहे थे, हर जिले जिले जाकर के भरोसा दिला रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए मैं हूं ना, योगी है तो यकीन है, लेकिन अखिलेश यादव जी वैक्सीन भाजपा ही बता रहे थे, बरगलाने का काम कर रहे थे, इनके नेताओं ने तो इतना कह दिया कि हमारे साथ हैं, मत लगाइए वरना नपुंसक हो जाएंगे, बीच में ना बोल रहे, अरे सुनील जी मैं एक सेकंड में खत्म कर दूंगा, सुरेंद्र भाई तो पूछ रहे हैं, भाई एक बात बहुत अच्छी कही और हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी देखा, योगी है तो यकीन है, योगी है तो किसानों को लगता है कि हमें कुचल दिया जाएगा, योगी है तो पिछड़े और दलितों को लगता है कि हमारा आरक्षण छीन लिया जाएगा, योगी है तो लोगों को लगता है कि सड़क में गड्ढा दिखेगा, योगी है तो लोगों को लगता है कोरोना महामारी में भी बेईमानी हो जाएगी, योगी है तो यकीन है सुनील भाई, सुनील भाई, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, अरे सुनील भाई, अरे 500 साल राज किया है भाई कांग्रेस ने, सुरेंद्र भाई साथी है, नहीं है साथी है, दे दीजिए अपना समय दे देंगे, साथी है सुरेंद्र भाई, भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने काम कराया, इन्होंने काम कराया, हैं बसपा और कांग्रेस तो कुछ कराया ही नहीं, क्यों एक बड़ा पूरा नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग खाली अपने काम गिना रहे, उनके भी गिना देते कुछ। अब अरविंद जी सच बात ये है कि एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, कहते हैं कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा, तो जो सच बोलेगा यहां पर वो प्यासा मारा जाएगा, जनता हमारी जनार्दन है। अब योगी आदित्यनाथ जी के कामों को आप क्या कीजिएगा, जिला अस्पताल बनाए हमने, 250 बेड लगवाए इन्होंने, और योगी जी ने क्या किया, कहन साहब इसका नाम आज से जो है वो मेडिकल कॉलेज हो गया, ये है इनका काम, इनके काम को नामकरण इनका काम है, इनको कोई काम नहीं करना, इन्होंने कहा कि साहब पीएससी और सीएससी बनाई कांग्रेस ने, सारी पीएससी सीएससी कांग्रेस की बनाई हुई है, 250 बेड का जिला अस्पताल कराया इन्होंने, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद नामकरण कर दिया इन्होंने, तो नामकरण वाले काम अगर आपको काम दिखते हैं, और एग्जीक्यूटिव काम जो कोई भी सरकार, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं, पूरे देश में 6,40,000 गांव हैं,
6,18,000 गांव का विद्युतीकरण कराया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक, और मात्र 22,000 गांव का विद्युतीकरण करा करके ठप्पा लगा लिया इन्होंने, वहां बोर्ड लगा दिया कि साहब पूरे हिंदुस्तान को इलेक्ट्रीफाई कर दिया हम लोगों ने, ये इनकी असलियत है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आप आ जाइए, पूरब से कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म, रास्ता भटक रहा है इसीलिए मैंने आपके यहां भेज दिया सर, कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है और कोई फरार है। आपने कोई ऐसी सरकार देखी है कि योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी के सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लो, और योगी जी ने योगी जी के सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए। 20,000 मुकदमे कभी नहीं हुए ऐसे जिसमें दंगों के मुकदमे हों, जिसमें अपराधियों के मुकदमे हों, 302 के मुकदमे हों, जिसमें 307 के मुकदमे हों, गोकशी का मुकदमा हो, वो सारे के सारे आप लोग वापस ले रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? सुरेंद्र भाई जवाब लेता हूं, एक मिनट पर, एक मिनट बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ लेता हूं, एक साथ सारे जवाब दीजिए। हाँ, आप भी इसमें जोड़ दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। भाई इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो काम बहुत सारे किए, लेकिन अपराध की बात इन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गिना दी। देखिए मैं अरविंद भाई आपके चैनल पे जो भी कहूंगा वो साक्ष्य कहूंगा, और देश के इतिहास में, प्रदेश के नहीं देश के इतिहास में ये पहली दफा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री अपने ही केसेस अपने ही सरकार में वापस ले लेता हो, और हाई कोर्ट को इंटरफेयर करके कहना पड़ता हो कि अब आप लोग कोई भी मुकदमे वापस नहीं लेंगे। पहली दफा हुआ है इतिहास में, ये जानते हैं सुरेंद्र राजपूत जी भी बहुत अच्छे, राकेश भाई भी बहुत अच्छे। दूसरी से एक सेकेंड, समाजवादी पार्टी ने देश में पहली बार एक काम किया अपनी सरकार में कि प्रमोशन आरक्षण की बिल जो थी इन्होंने अखिलेश यादव जी ने फाड़ के फेंक दी, जो लोग भी प्रमोशन पाए थे उनको नीचे ले आए। ये भी समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट किया जो दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और दलित पिछड़ों और नाम बदलने की बात को मैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ूं, हद पार कर दिया योगी आदित्यनाथ जी, नाम बदलते बदलते स्टेशनों के, शहरों के, इंसानों तक को नहीं छोड़ा, अब वसीम रिजवी को भी पता नहीं क्या नाम बदल के रख दिए। तो अब ये काम करते हैं, काम करने का तरीका यह है कि अपने ही केसेस वापस लो और उत्तर प्रदेश की जनता के नाम बदलना स्टार्ट कर दिया। राकेश भाई इसके अलावा कोई काम बता दे। राकेश भाई अब जवाब लेते हैं, राकेश भाई प्लीज। देखिए नाम बदलने की बात जहां तक है ना, बार बार अखिलेश जी बड़ी टिप्पणी करते हैं कि नाम बदल दिया। अखिलेश जी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैंने बचपन में अपना नाम टीपू से बदलकर अखिलेश कर दिया था, ये उनकी स्वीकारोक्ति है, मैं नहीं कह रहा हूं। अखिलेश जी ने अपना नाम बदल दिया था। अच्छा मंच है इस पर कम से कम गंभीर चर्चा कीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, पर्सनल नाम की आप क्यों बात कर रहे हैं? आप नाम समय गुजारना क्यों चाहते हैं? नामकरण की बात की थी, आपने समय गुजारना चाहते हैं? सुन लीजिए, देश ने तो जिम्मेदारी से कहा, देश ने आपकी पार्टी के नेता का नाम क्या कर दिया है? देश ने आपकी पार्टी के नेता का नाम क्या कर दिया है? इसकी वजह से आपको तमाम पीआर एजेंसियों को लेना पड़ा है। अरे भाई सुन लीजिए, जमानत की बात आपने की थी, आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर चर्चा की है, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मना कर सकते हैं आप? करोड़ों दर्शक जमानत पर नहीं है, क्या मना कर सकते हैं कि राहुल जी जमानत पर नहीं है? क्या मना कर सकते हैं आपकी पार्टी का? पूरी भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी मुकदमे वापसी की बात की है सुरेंद्र जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी जमानत पर है, कोई एक नेता बता दीजिए जो जमानत पर न हो। दर्शक देख रहे हैं कि मैं अनुशासित तरीके से ईमानदारी से पूरे समय चुप रहता हूं, और मैं किस योगी आदित्यनाथ जमानत पर बारी बारी से कौन सा नेता जमानत पर नहीं है? देश को डिरेल करते हैं। अरे भाई बारी बारी से बोलेंगे तो भी हम लोग सुनेंगे, बताइए कौन सा नेता जमानत पर नहीं है? सुन लीजिए, तड़ी पार का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मुकदमा वापसी किस तरह की हुई? तड़ी पार का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जमानत पर है, जमीन से जुड़कर योगी आदित्यनाथ की जमानत पर, लोगों के बिजली के लिए जमानत पर है, केशव मौर्य जी खानपान के लिए संघर्ष करके आए हैं, एक एक जमाने में सबका सारे बोले कैसे सुनाई देगा? करके बोलवाइए, एक मिनट राकेश भाई, देखिए एक एक करके बोलिए, आवाज जनता को सुनाइए, ठीक नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक तरीका ठीक नहीं, लोगों को समय दिया, हां एक बदलने पे कहा प्रणव सुनील भाई, सुनील भाई एक मिनट, बचपन में आपको भी टीपू कहा जाता था, एक मिनट, एक मिनट, एक 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 सवाल, मैंने पूछे बड़ा आश्चर्य, मैंने अखिलेश जी पर टिप्पणी की, सुनील जी को बुरा नहीं लगा, सुरेंद्र राजपूत जी को बुरा लग गया? अरे भाई ज्वाइन कर लीजिए, खराब कर रहे हैं, बड़ा देखिए बचपन में राकेश भाई को खराब, बचपन के नाम को आप इस वक्त बोलेंगे? मैंने वसीम रिजवी भाई, अरे भाई एक एक सुनिए, सुनिए हेलो, एक एक जवाब लेते हैं, सुनिए प्लीज 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 राकेश भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट पहले प्लीज
राकेश जी आप अपना शुरू करिए, उसके बाद बारी बारी सबके आए। बचपन के नाम ना बताएं, वरना राहुल गांधी जी का नाम पप्पू हो गया, इनका नाम भी बचपन में टिंकू रहा होगा, ये कौन सी बात हो? अरे सुनिए, कोई बात एक मत नाम नाम मैंने नामांकन बोला। अरे भाई नाम की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो कानून की बात हो रही है भाई। देखिए कानूनन बदले, वसीम रिजवी जी कानूनन बदले। हाँ कानूनन बदले, उन्होंने शपथ पत्र दिया है भाई, प्लीज। देखिए सवाल उठाया इन्होंने कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। हाँ एक मिनट, मैं जिम्मेदारी से इस बात का जवाब दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी हो, केशव मौर्य हो, जमीन से उठ करके जनता के बीच में संघर्ष करके आए हैं, संघर्ष करके आए, कानून की बात हो रही है, करता है उनके ऊपर केसेस करते हैं। अभी आप मेरे पास आएंगे तो आप जवाब देंगे, अभी जवाब देंगे, अभी जमीन से उठ के आए, बाकी लोग आसमान से उठ के आए, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अरे आप सीधा बात कर लिया आपराधिक मुकदमे। अरे भाई ये इस तरह से नहीं, आपने ये मंच किसने सजाया आपराधिक मुकदमे पे? सुनील साजन, अरे भाई योगी जी पे अपराधी मुकदमे थे या नहीं थे, ये सीधा बताएं। केशव प्रसाद मौर्य अपराधी आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आएगा जो भी संघर्ष करके आएगा, जो भी संघर्ष करके आएगा उसके ऊपर केस होगा। एक मिनट, अरे एक मिनट भाई प्लीज, आपके पास आ रहे हैं, आप करते नहीं है संघर्ष, इसलिए एक मिनट अभी आ रहे हैं, अभी आप मेरे भाई आ रहे हैं यार, अरे सुन लो ना, अरे सुन लो भैया, सुन लो यार, अरक्षा फैलाने की कोशिश मत करिए, अरक्षा फैलाने की कोशिश मत करिए, ये बहुजन समाज पार्टी का तरीका ठीक नहीं है, आप अरक्षा फैलाने की कोशिश मत करिए, ये समाजवादी पार्टी। अरे मेरे भाई एक एक बारी बारी से ले लेते हैं यार, संविधान बबुआ का दो पर टिका है, पहले चार होम मिनिस्टर और आप जमीन से आए। अरे भाई क्या, अरे एक खत्म कर लेना, एक आदमी खत्म कर लेना, एक मिनट रुक जाइए, एक सुरेंद्र भाई प्लीज यार, एक एक मिनट खत्म करिए, एक 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 अरविंद जी, एक एक सवाल खत्म करिए, एक एक सवाल खत्म करिए, 2022 में आ रही है, एक एक सवाल खत्म करिए प्लीज, भैया मेरी बात सुनो यार, अरे बात कर लेने दो यार प्लीज, पद पर बरकरार है और जेल नहीं भेज रहे ये लोग बहुजन समाज। मेरे भाई जेल भेज देना, जब आपकी सरकार आएगी तो भेज देना, रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ मेरे भाई, जेल भेज देना, ठीक है, भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, हाँ भेज देना, जेल सरकार बनेगी तब ना भेजेंगे, रुक जाइए भाई, आप रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, आपकी तो चली गई है यार, कोई तो सुन लेते, आप बात बोलने नहीं देंगे बार बार, एक बस एक 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 खत्म करिए प्लीज, ज्यादा नहीं कहूंगा प्लीज प्लीज, आप निश्चिंत रहिए। देखिए बात मुकदमा वापसी को लेकर के हुई थी, मैंने कहा जब संघर्ष करके आएगा उस पर मुकदमे होंगे, भाई सुनील साजन पर भी है, बाकी दो लोग करते नहीं इसलिए उन पर नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए आतंकवादियों पर से मुकदमे कौन वापस ले रहा था, उन आतंकवादियों से जिनको फांसी की सजा हो गई, देखिए अरविंद जी, अरविंद जी ये राजनीतिक बहस है, इसका कोई एंड नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ देखिए राकेश भाई से इस बात से मैं सहमत हूं कि जो संघर्ष करके आएगा उस पर मुकदमा होगा, लेकिन वो मुकदमा गौकसी का नहीं होगा, वो मुकदमा दंगे का नहीं होगा, हत्या का नहीं होगा, 307 का नहीं होगा, यही सब योगी आदित्यनाथ थे। एक मिनट, ठीक है, और जब आप आज बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, जिस मंच पर अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो वहां हाथरस की घटना का जिक्र ना हो, उन्नाव की घटना का जिक्र ना हो, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर लीजिए। हाथरस की घटना में क्या हुआ, जो दरिंदे बलात्कारी थे वो केवल योगी मौका आपको मिल रहा है, तरीके से मिल रहा है ना, ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं माफी के साथ चाहूंगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं माफी के साथ चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि हमारा सेशन जो था वो समय उसका एकदम बहुत ही योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग कानून का ऐसा मजाक उड़ाएंगे, दो मिनट बढ़ा दीजिए सेशन को, कानून व्यवस्था तो ऐसी खत्म हो चुकी है, कानून तो नेताओं के हाथ में नहीं सर, हम तो नियम से और टाइम से चलते हैं जी, हम लोग नियम और टाइम से चलते हैं, संविधान शासन के पास होता है, और ऐसे नियत और सोच के लोग जब बैठेंगे, जिन कंधों पे, एक मजाक की बात नहीं है ये, जिन कंधों पे देश का संविधान है, होम मिनिस्ट्री जिसपे देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मौका आ गया ना, 2022 का चुनाव आ गया, सुरेंद्र भाई जिम्मेदारी सारे लोगों के पास मौका है, वो अपराधिक उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि जनता अपना निर्णय लेगी। सुरेंद्र भाई अपनी बात से खत्म करिए, ठीक है, फैसला जनता पे ही छोड़ा जाए, फैसला जनता पे ही छोड़ा जाए, बस राकेश जी ने आज धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब संविधान का शासन है, भाजपा का शासन नहीं है, अब लूट आपकी नहीं चल पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपनी बात एक खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपने तो बहुत सारा समय बीच में ही ले लिया, नहीं हमें कर लिया, सर सब हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत समझदार है, अच्छी 20 का उदाहरण दिया, ठीक है, जनता के ऊपर छोड़िए, 100% पे 10 तारीख को जनता अपना फैसला सुना देगी, क्या है फैसला वो 10 मार्च को पता चलेगा। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।
प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, को प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो और स्वीटी सुपारी, पावर्ड बाय राकेश मसाले और कियो कार्पेल, एसोसिएट स्पॉन्सर स्वयं मीडिया, LIC और मुल्तानी कुका।